नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल IS पेपर। वैदिक संस्कृति का डिस्कशन हम प्राचीन भारत में कर रहे थे, पहला एपिसोड हो गया था। चलिए डिस्कस करते हैं दूसरा एपिसोड। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक स्थिति हम डिस्कस कर चुके थे ऋग्वैदिक काल का। अब हम डिस्कस करेंगे ऋग्वैदिक काल की धार्मिक स्थिति और फिर उत्तर वैदिक काल को डिस्कस करके ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पर जो भी मटेरियल हम डिस्कस कर रहे हैं वो www.upscitarget.com का मटेरियल है। स्टडी मटेरियल में आप जा करके और कभी भी कहीं से स्मार्टफोन, लैपटॉप या पीसी के जरिए आप इसको पढ़ सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी शुल्क इसका नहीं है। मैं हूं पांडे, आपका गाइड, आपका दोस्त। चलिए शुरू करते हैं। धार्मिक स्थिति में क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं, क्या आपको पढ़ना चाहिए, देख लेते हैं। ऋग्वैदिक काल में धार्मिक कर्मकांड का उद्देश्य, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि मुख्य रूप से जो उद्देश्य था वो था भौतिक सुखों की प्राप्ति करना। और भौतिक सुख में जो शामिल किए जाते थे मुख्य रूप से वो पुत्र और पशु, दोनों ही देखिए पासे हैं, पुत्र और पशुओं की प्राप्ति। पशु ही मुख्य रूप से धन हुआ करते थे और पुत्र प्राप्ति आज भी देखिए समाज में कितना ज्यादा इसको महत्व दिया जाता है। लेकिन जो आर्य लोग थे वो पूजा किसकी करते थे, अगर हम देखें तो बहुदेववादी होते हुए भी ये एकेश्वरवादी थे। प्रश्न आपसे ये पूछा जाएगा कि आर्य लोग कैसे थे, बहुदेववादी या एकेश्वरवादी, तो आप कहेंगे कि ये बहुदेववादी तो थे लेकिन एकेश्वरवाद में ये विश्वास करते थे। बहुत सारे देवी देवताओं का अस्तित्व था, देवियों का अस्तित्व नहीं मिलता है, देवियों के अस्तित्व का अभाव मिलता है। और सभी देवता प्राकृतिक शक्तियों के प्रतीक थे, प्रकृति के प्रतिनिधि के रूप में आर्यों के जो देवता थे उनको हम कई श्रेणियों में बांट सकते हैं। उसमें एक श्रेणी है आकाश के देवता, एक श्रेणी है अंतरिक्ष के देवता और एक श्रेणी है पृथ्वी के देवता। जो आकाश के देवता थे उसमें जो आकाश में जो चीजें दिखती हैं, जो आकाश में होती हैं, उनसे संबंधित देवता होंगे, जैसे सूर्य देवता, वरुण देवता, धौस देवता, पूषण, विष्णु, सविता, आदित्य, उषा, अश्विन। अंतरिक्ष में इंद्र, रुद्र, मरुत, वायु, पर्जन्य, यम, प्रजापति, ये लोग आते थे। और पृथ्वी के जो देवता थे उसमें अग्नि, सोम, पृथ्वी, बृहस्पति, सरस्वती, ये सब आते थे। इंद्र को पुरंदर कहा जाता है, इंद्र को ऋग्वेद में पुरंदर कहा गया, पर्यायवाची शब्दों में भी हम इसको पढ़ते हैं। और ऋग्वेद के 250 सूक्त हैं जो इंद्र को समर्पित है। कितने? 250 सूक्त। इससे ये सिद्ध होता है कि इंद्र देवता जो थे वो बहुत महत्वपूर्ण थे, बहुत ही महत्व था इनका। इंद्र आर्यों के सबसे महत्वपूर्ण देवता थे। अगर ये स्टेटमेंट आपको दिया जाए तो आप इसको टिक करेंगे कि हाँ ये बात सही है, इंद्र आर्यों के सर्वाधिक महत्वपूर्ण देवता थे। ये युद्ध के, वर्षा के, आंधी के, तूफान के, सबके देवता थे। और युद्ध का इनको नेता माना जाता था, ये क्या थे, युद्ध के नेता थे। तो आपसे अगर युद्ध का नेता पूछा जाए या वर्षा आंधी तूफान का देवता पूछा जाए तो आप इंद्र को ही टिक करेंगे। दूसरा अगर महत्वपूर्ण कोई देवता था तो वो अग्नि। अग्नि देवता का उल्लेख भी ऋग्वेद में 200 बार हुआ है, 200 सूक्त इनको समर्पित हैं। अग्नि का कार्य मनुष्य और देवताओं के बीच में मध्यस्थता स्थापित करना था। आज भी जब हम हवन करते हैं तो हवन में हम क्या करते हैं, अपने देवताओं को आमंत्रित करते हैं और हमारे और देवताओं के बीच में अग्नि मध्यस्थता का कार्य करती है। तीसरे देवता अगर आपसे पूछा जाए क्रम से जो महत्वपूर्ण थे वो वरुण थे, 30 सूक्त इनको समर्पित है। सूक्त याद रखिएगा, 250 सूक्त इंद्र को, 200 सूक्त समर्पित है इनको अग्नि को और 30 सूक्त समर्पित है वरुण को। तो अवरोही क्रम में इंद्र, अग्नि और वरुण ये हो जाएंगे। वरुण को ऋतस्य गोपा कहा गया है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद में किसको ऋतस्य गोपा कहा गया है या वरुण को क्या कहा गया है, तो आप ये ध्यान रखेंगे। गायत्री मंत्र की बात आती है, गायत्री मंत्र सविता या सवित्र देवता को समर्पित है और इसका उल्लेख ऋग्वेद के 3rd मंडल में है और इसके रचनाकार भी आपसे पूछ लिए जाते हैं तो इसके रचनाकार विश्वामित्र है। रचनाकार कौन है इसके, विश्वामित्र, याद कर लीजिए इसी समय। गायत्री मंत्र सविता या सवित्र देवता को समर्पित है और इसका उल्लेख ऋग्वेद के 3rd मंडल में है। देखिए इस दो लाइन में 3-4-5 प्रश्न बनते हैं और स्टेटमेंट देखिए और भी प्रश्न बनाए जा सकते हैं। सोम को पेय पदार्थ का देवता माना जाता था और इनका उल्लेख ऋग्वेद के 9th मंडल में है। तो सोम पेय पदार्थ के देवता थे, ऋग्वेद के 9th मंडल में इनका उल्लेख है। और ऐसे ही
सबसे प्राचीन देवता अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ऋग्वैदिक कालीन सबसे प्राचीन देवता कौन थे, तो ये आप धौस को याद रखिएगा कि जो धौस देवता थे वो धौस सबसे प्राचीन देवता थे ऋग्वेद काल के। आगे सरस्वती के बारे में हमने पढ़ा है कि सरस्वती नदी थी जो देवी के रूप में, उनको पहले नदी थी, नदी देवी थी, बाद में उनको विद्या की देवी के रूप में पूजा गया, पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं। ऋग्वैदिक काल में मूर्ति पूजा का कोई उल्लेख नहीं है। उपासना का उद्देश्य भौतिक सुखों की प्राप्ति हुआ करता था, और अगर भौतिक सुखों की इसका उपासना का उद्देश्य है तो इसमें वही जो पुत्र और पशु की प्राप्ति के लिए ये उपासना करते थे, प्रार्थना करते थे, यज्ञ करते थे, यज्ञ अग्नि देवता के माध्यम से की जाती थी, अग्नि देवता मध्यस्थता स्थापित करने का कार्य करते थे, जंगलों में लोग रहा करते थे या जंगल बहुत हुआ करते थे, तो आरण्यानी ऋग्वैदिक काल में जंगल की देवी हुआ करती थी। तो जंगल की देवी अगर आपसे पूछा जाए कौन हुआ करता था, तो अरण्यानी को ये जंगल की देवी आप कहेंगे। अरण्यानी अरण्य से बना हुआ शब्द है, अरण्य में की रानी अरण्यानी हो जाएगा। ऋग्वेद में प्रथम और दसवें मंडल की रचना जो है वो पहले भी हमने पढ़ा है कि ये अंत में हुई, अंत में ये दो जो मंडल है प्रथम और दसवें ये जोड़े गए। पूषण को पशुओं का देवता माना जाता था। आपको मैं बताना चाहता हूं कि गोधूल के समय जानवर वापस आते थे चराई करके, है ना, तो गोधूल की वेला उसे कहते हैं जब शाम को आते थे, क्योंकि गायों के पैर की धूल उड़ा करती थी, तो कभी कभी गायें खो जाती थी, तो लोग क्या करते थे, पूषण देवता को खुश करने के लिए उनकी पूजा करते थे, और माना जाता था कि पूषण देवता उनको गायों को खोज के ले आते थे। अगर कोई अनैतिक आचरण या चिकित्सा से संबंधी बात आती थी तो रुद्र को माना जाता था इसका देवता, चिकित्सा के ये संरक्षक कहे जाते थे, आचरण से संबद्ध था इनका और चिकित्सा के संरक्षक कहे जाते थे। लेकिन आजकल के जो चिकित्सक हैं, सारे लोगों को मैं नहीं कह रहा हूं, उनमें आचरण और नैतिकता तो है ही नहीं है, अनैतिकता ही उनमें है। हालर ने यूनानी देवता अपोलो के समान रुद्र को माना है, तो अगर अपोलो से तुलना की बात आएगी तो आप रुद्र को ठीक कीजिएगा। रुद्र को कभी कभी शिव और कभी कभी कल्याणकर भी कहा गया है। तो ये इस तरह से हमने धार्मिक स्थिति देख ली ऋग्वैदिक काल की। अब हम चलते हैं उत्तर वैदिक काल की ओर, और उत्तर वैदिक काल में कहां कहां से प्रश्न बन सकते हैं, कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, इनको देख लेते हैं। सबसे पहले उत्तर वैदिक काल का जो समय है उसको हम देख लेते हैं। तो उत्तर वैदिक काल हमारा 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच में माना जाता है, और ये युग ऐसा था जिसमें आर्य संस्कृति का खूब प्रसार हुआ, उत्कर्ष हुआ, बहुत सारी चीजें। भाई जब उत्कर्ष होता है तो ऐसा नहीं कि एकदम से उत्कर्ष ही होता चला जाता है। और ये उत्कर्ष किन क्षेत्रों में हुआ, धर्म में हुआ, दर्शन में हुआ, आचार विचार में हुआ, सब चीजें धीरे धीरे क्या हुई, एक निश्चित रूपरेखा उनकी बनी, और चीजें अब क्या हो रही थी, क्लरिफाई हो रही थी, सुस्पष्ट हो रही थी, ज्यादा क्लियरिटी आ रही थी उनमें। ऋग्वेद काल से यजुर्वेद ऋग्वेद काल के बाद में, मतलब जो उत्तर वैदिक काल का अध्ययन की बात आती है, तो ऋग्वैदिक काल में तो ऋग्वेद महत्वपूर्ण था, लेकिन उत्तर वैदिक काल के लिए अगर महत्वपूर्ण हम देखें तो यजुर्वेद, सामवेद, अथर्वेद और ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद और आरण्यक महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जो उत्तर वैदिक काल के बारे में हमको सूचनाएं देते हैं। एक चीज मैंने आपसे कहा था कि लौह के बारे में जानकारी ऋग्वैदिक काल में लोगों को नहीं थी, तो जो लौह प्रौद्योगिकी की शुरुआत होती है, तो यहीं से उत्तर वैदिक काल को जोड़ा जाता है कि ये ऋग्वैदिक काल के बाद में उत्तर वैदिक काल का समय आ गया, और इसके लगभग पर्याप्त साक्ष्य भी हमारे पास है, इसमें कोई डाउट नहीं है। इसके अलावा चित्रधूसर भी इसके एक महत्वपूर्ण साक्ष्य के रूप में कार्य करते हैं, इनसे भी हमको जानकारी प्राप्त होती है। और इसके अलावा यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि इस संस्कृति के लोगों का मुख्य केंद्र क्या था, भाई ये काल हो गया और इनका केंद्र क्या था, तो इनका मुख्य केंद्र जो हुआ करता था वो मध्य देश हुआ करता था, और जिसका प्रसार था वो सरस्वती नदी से लेकर गंगा के द्वाब में स्थित था, यानी कि मध्य देश सरस्वती नदी से लेकर गंगा के द्वाब तक स्थित था। पूरी विस्तार और डिटेल से हम देखते हैं तो सप्तपद ब्राह्मण के विदेह माधव की कथा में ये बताया गया है कि उत्तर वैदिक काल में आर्यों के जो सदानीरा गंडक, यानी कि गंडक जो नदी है सदानीरा के पूर्व की ओर प्रसार का वर्णन मिलता है सत्पथ ब्राह्मण में। सत्पथ ब्राह्मण में ऐसा कहा गया, यानी कि इन्होंने यहां तक प्रसार कर लिया था। पंजाब से बढ़कर धीरे धीरे ये कुरुक्षेत्र, यानी दिल्ली और गंगा द्वाब के उत्तरी भाग जो है वहां तक भी ये विस्तृत हो चुके थे, तो ये इंपॉर्टेंट है।
600 ईसा पूर्व के आसपास, यानी कि जब उत्तर वैदिक काल अंतिम दौर में था, इसका समापन हो रहा था, आर्य लोग कोशल, विदेह और अंग राज्य से भी परिचित हो चुके थे। शतपथ ब्राह्मण में ही कहा गया कि वैदिक कालीन रेवा या नर्मदा और सदानीरा यानी गंडक नदियों का भी उल्लेख है, यानी कि इसके बारे में ये लोग जानकारी रखते थे, यानी यहां तक भी ये इनकी सीमाएं टच करती थी, छूती थी। त्रिककुद, क्रौंज, मैनाक ये पर्वत हैं जो उत्तर वैदिक काल में लोगों को इसके बारे में जानकारी हुआ करती थी, और ये सब पूर्वी हिमालय में पड़ते हैं। आगे हम बढ़ते हैं भौगोलिक विस्तार के बाद में, हम देखें कि उस समय की सामाजिक स्थिति क्या थी, जहां से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। उत्तर वैदिक काल में सामाजिक व्यवस्था का मुख्य जो आधार था वो वर्णाश्रम व्यवस्था ही था, लेकिन वर्ण व्यवस्था में ऋग्वैदिक काल की अपेक्षा अब धीरे धीरे क्या हुई थी, कठोरता आने लगी थी, यानी कि अब जो चीजें थी वो थोड़ी टफ होने लगी थी। वर्णों का आधार कर्म पर आधारित ना होकर जाति पर आधारित होने लगा था। किस पे आधारित था? जाति पे आधारित होने लगा था। और समाज में जो धार्मिक श्रेणियां थी उनका धीरे धीरे सशक्तिकरण हुआ, और विभिन्न श्रेणियां अब जातियों में बदलने लगी थी। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो हमने पढ़ा था, वही धीरे धीरे और कठोर रूप लेने लगी थी। चार वर्ण जो ये पाए जाते थे उनमें ब्राह्मण को ए आइए, क्षत्रिय के लिए आगे यानी आओ, वैश्य के लिए आद्रो यानी जल्दी आओ, और शूद्र के लिए आधाओ यानी कि दौड़ कराओ। देखिए ये कैसे आज्ञा सूचक शब्द हैं जो ब्राह्मण के लिए बड़े रिक्वेस्ट के साथ कहे जा रहे हैं, बाकी धीरे धीरे इनकी जो श्रेणी है वो कम होती चली जा रही है। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य इन तीन लोगों को द्विज कहा गया है। तो प्रश्न आपसे पूछा जाएगा निम्नलिखित में से द्विज में कौन शामिल नहीं है, तो शूद्र इसमें शामिल नहीं थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों को कहा जाता था द्विज। जो द्विज थे वो उपनयन संस्कार के भागीदार थे, अधिकारी थे, यानी उपनयन संस्कार यानी जनेऊ वो धारण कर सकते थे, उपनयन वो धारण कर सकते थे, और जो शूद्र थे वो उपनयन संस्कार के अधिकारी नहीं थे, वो इस संस्कार में भागीदार नहीं थे। यहीं से शूद्रों का क्या होता है, अपात्र या आधारहीन मानने की जो एक प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो जाती है। धीरे धीरे क्या हुआ था, यज्ञ का महत्व बढ़ने लगा था, ब्राह्मणों की शक्ति में अपार वृद्धि होने लगी थी, भाई यज्ञ कौन कराएगा, ब्राह्मण कराएंगे, तो उनका महत्व धीरे धीरे बढ़ने लगा था। ऐतरेय ब्राह्मण में चारों वर्णों के कर्तव्यों का भी वर्णन मिलता है कि चारों वर्णों के लोगों के कर्तव्य क्या थे, इनके कर्तव्यों का भी वर्णन मिलता है। और एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए कि उत्तर वैदिक काल में कौन कर चुकाता था, कर कौन अदा करता था, तो वैश्य ही कर चुकाते थे। ब्राह्मण एवं क्षत्रिय दोनों वैश्यों से कर वसूल करते थे, जो राजस्व होता था उसी के आधार पर शासन व्यवस्था चलती थी, और जो शूद्र थे वो ऐसा कुछ नहीं करते थे, ना वो कर चुकाते थे ना वो कर की प्राप्ति करते थे, बल्कि उपयुक्त तीनों यानी कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यों की वो सेवा किया करते थे। इन लोगों की तो ये वर्णाश्रम स्थिति में जो दशा थी वो थी ही, स्त्रियों की दशा भी अब सही नहीं रह गई, धीरे धीरे गिरावट होने लगी। उपनयन संस्कार जो पहले स्त्रियों का ऋग्वैदिक काल में हुआ करता था अब उसकी वो अधिकारी नहीं रह गई। पुत्री को कृपण शब्द से यहां पर कृपण शब्द पुत्री के लिए कहा गया, कृपण शब्द की संज्ञा दी गई पुत्री को, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि ऐतरेय ब्राह्मण में ऐसा कहा गया था, उत्तर वैदिक काल की यह बात है। सत्पथ ब्राह्मण में कुछ विदुषी कन्याओं का उल्लेख जरूर मिलता है। अब यहां पर मैंने आपको वहां पे पढ़ाया था तो बताया था आपको कि वो ऋग्वैदिक काल की थी और ये उत्तर वैदिक काल की, अपाला का नाम वहां पर आया था, ठीक है ना, घोषा का नाम आया था। तो यहां पर उत्तर वैदिक काल में गार्गी, गंधर्व, गृहेता, मैत्रेयी, देववती, कास, कृतसनी, ये जो महिलाएं थी ये कुछ विद्वान विदुषी महिलाएं थी, है ना, तो इनका जिक्र जरूर मिलता है। लेकिन अगर वैसे कंपेयर करें कि स्त्रियों की दशा शिक्षा में क्या थी तो वो उतनी अच्छी नहीं थी। स्त्रियों का पैतृक संपत्ति से अधिकार भी धीरे धीरे छिनने लगा, और जब ऐसी स्थिति आ जाएगी जिनके पास आर्थिक स्थितियां कमजोर हो जाएंगी तो उनको समाज में अन्य जगहों पे भी स्थिति अच्छी नहीं रहेगी, उनकी स्थिति उनकी बेकार हो जाएगी, तो इनको सभा में प्रवेश अब नहीं दिया जाने लगा और सभा में प्रवेश इनका वर्जित हो गया। पारिवारिक जीवन वैसे ही था, ऋग्वेद के समान था, समाज वैसे ही पितृसत्तात्मक था जिसका स्वामी पिता होता था, और इस काल में स्त्रियों को पैतृक संबंधी कुछ अधिकार प्राप्त हुए, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है,
महिला सशक्तिकरण की दृष्टि से हम इसको कोट कर सकते हैं। जब हम ऐसे लिखते हैं तो बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो प्रारंभिक परीक्षा में हम पढ़ चुके होते हैं, अगर वो हम रिकॉल करके सारी बातों को लिख दें तो इतना बढ़िया आर्नामेंटल ऐसे लिख जाए और इतने फैक्ट्स उसमें हो जाए कि आपको नंबर खूब मिले। तो इन चीजों को ध्यान में रखा करिए, जो भी टॉपिक आए उसकी जितनी भी जानकारी है सब उड़ेल के आइए। वहां उत्तर वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था पूर्ण रूप से स्थापित हो चुकी थी। गोत्र शब्द वही था, वह स्थान जहां समूचे कुल के गोधन को एक साथ रखा जाता था, एक साथ लोग रहते थे वहां पे, गोधन रखा जाता था यानी कि गायों को। परंतु बाद में मैंने क्या बताया था, मूल पुरुष का वंशज क्या है, इस रूप में गोत्र शब्द तब्दील हो गया, परिवर्तित हो गया। वर्णाश्रम जो आश्रम व्यवस्था जो है उसमें ब्रह्मचर्य, चारों जो आश्रम है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, इसका जिक्र सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए कहां मिलता है तो सर्वप्रथम जवालोपनिषद है, जवालोपनिषद में इसका जिक्र मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ना। तो इसका जिक्र कहां मिलता है, जवालोपनिषद में, किसका, जो चार आश्रम है ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, इनका जिक्र जवालोपनिषद में, याद रखिएगा। इस समय जो आर्य लोग थे, क्योंकि हम सामाजिक स्थिति पढ़ रहे हैं, तो खाने में ये चावल, नमक, हाथी, खाने में हाथी नहीं मछली, इन चीजों को इस्तेमाल करते थे यानी इनकी जानकारी थी। साथ में जानवरों के तौर पर हाथी और बाघ को भी ये जानते थे, इसलिए मैं इनको बार बार रिपीट कर रहा हूं। कहीं से भी स्टेटमेंट देके अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आपका ये प्रश्न कतई गलत नहीं होना चाहिए। बातें बड़ी सिंपल है लेकिन फैक्चुअल है, आपको याद रखना पड़ेगा। अब हम बात कर लेते हैं 16 संस्कार। 16 संस्कार के बारे में आपने पहले भी सुना होगा कि 16 संस्कार होते हैं। ये क्या है, गर्भाधान, पुंसवन, सीमांतोन्नयन, जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्न प्राशन, चूड़ा कर्म, कर्ण बोध, विद्या आरंभ, फिर उपनयन, फिर वेद आरंभ, केशांत या गोदान, समावर्तन, फिर विवाह और अंत्येष्टि। यानी कि बच्चे का जब से गर्भ धारण होता है तब से लगाकर और यहां तक अंत्येष्टि तक, ये देखिए 16 संस्कार है। संस्कार कितने होते हैं, 16। ये प्रश्न आपसे पूछे जाने की संभावना ज्यादा है। बाकी आप इसको अगर याद करना चाहते हैं तो आप वेबसाइट पर जाकर बार बार इसको रिवाइज कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसा भी आप चाहें। तो ये 16 संस्कार होते हैं, ये याद रखिएगा कि कितने संस्कार होते हैं, 16, ना कि 18, 14, 12, ऐसे नहीं। विवाहों की अगर बात करें तो 8 प्रकार के विवाहों का उल्लेख मिलता है। इसमें 4 विवाह जो थे जिनको प्रशंसनीय विवाह या अच्छा माना जाता था और 4 निंदनीय विवाह हुआ करते थे। जो प्रथम 4 विवाह थे उनमें ब्रह्म, देव, आर्क और प्रजापत्र विवाह है। प्रजापत्र विवाह तक तो ठीक है, ये प्रशंसनीय विवाह है, लेकिन इसके बाद जो 4 और विवाह हैं वो निंदनीय विवाह हैं। ब्रह्म विवाह क्या होता था, कन्या जब बड़ी हो गई, वयस्क हो गई, तो कन्या के माता पिता किसी योग्य वर की खोज में, जो अभी भी करते हैं, जो कन्याएं कंपटीशन दे रही होती हैं, बार बार सिलेक्शन नहीं हो रहा है, तो उनके ऊपर सबसे बड़ा प्रेशर यही होता है कि कब उनकी शादी हो जाएगी। बार बार वो यही कहती मिलती है कि जल्दी से शादी हो जाएगी, दिक्कत हो जाएगा। तो ब्रह्म विवाह ये इस तरीके से होता था। देव विवाह जो होता था, यज्ञ करने वाला जो पुरोहित होता था उसके साथ ही कन्या का विवाह कर दिया जाता था। आर्क विवाह, कन्या के पिता द्वारा यज्ञ कार्य हित कुछ धन, कुछ 1-2 गाय ले ली जाती थी और उसके बदले में अपनी कन्या का विवाह उससे कर दिया जाता था, है ना, गाय लेकर। यानी कि उल्टा यहां पर लड़के वाले देते थे। और प्रजापत्य विवाह, वर स्वयं कन्या के पिता से कन्या मांगकर विवाह करता था। लव मैरिज जैसे पसंद हो तो, है ना, होता नहीं है कि कब हमारे घर पे पापा से बात करने, मम्मी से बात करने, कब आओगे, बात करो। तो वैसे ही जो बॉयफ्रेंड होता था वो गर्लफ्रेंड के पास जाता था और उसके घर पे जाता था और उसके पिता से, पिता ही मालिक हुआ करता था, पितृसत्तात्मक समाज था, माता पिता से मिलता था, चाय वाय पीता था और कहता था मुझे आपकी लड़की पसंद है, हाथ दे दो, हाथ मांगने आया हूं। तो इस तरीके से ये शादी हो जाती थी। अब 4 जो निंदनीय विवाह हैं उनको भी देख लेते हैं। निंदनीय विवाहों में असुर विवाह, गंधर्व विवाह, पैसाज विवाह और राक्षस विवाह, बड़े बेकार टाइप के विवाह। अभी भी कन्या के पिता द्वारा धन के बदले में लड़कियों को भेज दिया जाता था, ये असुर विवाह होता था। गंधर्व में कन्या तथा पुरुष प्रेम करते थे या कामुकता के से वशीभूत होकर शादी कर लेते थे। ऐसे पैसाच विवाह होता था कि कोई स्त्री कन्या सो रही है और उसके साथ सहवास किया, बलात्कार किया और फिर विवाह कर लिया। ऐसे ही राक्षस विवाह था जो कि बलपूर्वक कन्या को छीन कर उससे विवाह कर दिया जाता था। ये निंदनीय विवाह के 4 प्रकार थे। अब
ये विवाह हुआ तो हो गया। अब देखिए राजनीतिक स्थिति क्या थी उत्तर वैदिक काल की। उत्तर वैदिक काल में क्षेत्रीय राज्यों का उदय होता है और कबीले पर शासन करने वाला राजा सबसे पहले उस प्रदेश पर, यानी कि प्रदेश स्तर पर शासन की बात करें तो उत्तर वैदिक काल से इसकी शुरुआत होती है। और राष्ट्र शब्द आज भी हम प्रयोग करते हैं, तो राष्ट्र शब्द जो है प्रदेश का सूचक है, पहली बार इसी काल में प्रकट हुआ, ठीक है ना। राजा की दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत सर्वप्रथम ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी और वो सशक्त हो गई और राजा का पद यहां पर क्या हुआ उत्तर वैदिक काल में वंशानुगत हो गया। राजा का पद क्या हुआ वंशानुगत हो गया। धीरे धीरे राज्य का आकार बढ़ने लगा था तो राजा का महत्व भी बढ़ने लगा था, उसके अधिकारों में भी विस्तार होने लगा था। सम्राट, एकराट और अधिराज जैसे नामों से राजा को पुकारा जाने लगा था। लेकिन सभा समिति और प्रतिनिधि सभाएं जो थी वो धीरे धीरे समाप्त हो रही थी, यानी कि धीरे धीरे राजतंत्रात्मक व्यवस्था जब मजबूत होगी तो जो ये सलाहकारी संस्थाएं थी ये समाप्त होने लगी थी, क्षीण होने लगी थी और विदत का तो नामो निशान मिट गया था। जबकि ऋग्वैदिक काल में आर्यों की सबसे पुरानी महत्वपूर्ण संस्था विदत हुआ करती थी। सभा और समिति अपनी जगह बनी रही लेकिन इनका रूप बदल चुका था और इनका अस्तित्व जो था वो अब लगभग समाप्त होने वाला था, बहुत ज्यादा इनका महत्व नहीं रह गया था। तो इस तरीके से अब धीरे धीरे राजतंत्रात्मक व्यवस्था की ओर राजा के अधिकारों में वृद्धि हो रही थी और पूरा जो राजनीतिक व्यवस्था थी वो राजतंत्रात्मक होने लगी थी। प्रभावशाली जो वर्ग था उसका धीरे धीरे जब अब ऐसी स्थिति होगी तो क्या होगा, प्रभावशाली वर्ग का वर्चस्व होने लगेगा और स्त्रियों की स्थिति और कमजोर होने लगी। सभा नामक जो संस्था थी पहले स्त्रियां उसमें बढ़ चढ़ के भाग लेती थी, अब वो उससे भगा दी गई, यानी कि उनको बैन कर दिया गया, अब वो भाग नहीं ले सकती थी। एक पंचाल नाम आता है, तो पंचाल एक कबीले का नाम था जो बाद में प्रदेश का नाम हो गया और इस काल में पांचाल जो था वो सर्वाधिक विकसित राज्य हुआ करता था। राजा का राज्याभिषेक जो होता था वो राजसीय यज्ञ के द्वारा संपन्न होता था जिसका विस्तृत वर्णन सत्पथ ब्राह्मण में मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि सत्पथ ब्राह्मण में मिलता है या किस ब्राह्मण में मिलता है, तो राजसीय यज्ञ का जो उल्लेख है वो सत्पथ ब्राह्मण में मिलता है। यजुर्वेद में राज्य के उच्च पदाधिकारियों को रत्नी कहा जाता था, किसे कहा जाता था, उच्च पदाधिकारियों को रत्नी, और रत्नियों की सूची में राजा के संबंधी मंत्री और विभाग अध्यक्ष और दरबारीगण इसमें होते थे। 12 प्रकार के रत्नियों का जिक्र मिलता है 60 में, जल्दी से हम इसको देख लेते हैं आपको लगभग ये तैयार हो जाएगा। ऐसे सेनानी, सेनापति, सूत यानी कि राजा का जो सारथी हुआ करता था, ग्रामीणी जो होता था वो गांव का मुखिया हुआ करता था, बागदूत ये कर संग्रहकर्ता को कहते थे। ये शब्द आपसे पूछ लिए जाते हैं अक्सर कि ये इसका मतलब क्या है, ये कौन से पद के लिए शब्द प्रयोग होता था, तो संग्रहिता कोषाध्यक्ष हुआ करता था, यहाँ पे कोषाध्यक्ष होगा ये थोड़ा सा गलत लिखा है, मात्रा ज्यादा है। ऐसे छता प्रतिहारी को कहते थे, गोविकर्तन जंगल विभाग का जो प्रधान हुआ करता था उसे गोविकर्तन कहते थे, पालागल ये विदूषक हुआ करता था, महिषी मुख्य रानी को कहा जाता था, पुरोहित धार्मिक कृत करने वाला जो व्यक्ति था उसे पुरोहित कहा जाता था, युवराज यानी राजकुमार, और अच्छा वाप होता था जो पासे के खेल में राजा का सहयोग करता था। बताइए खेल में भी राजा अपने सहयोगी रखते थे, यानी उन्हें डर था हारने का, मुझे तो यही लगता है तभी तो सहयोग की जरूरत पड़ती है। आगे बात है, राजा धीरे धीरे क्या हुआ वो जज भी हो गया था, उसकी जजमेंटल पावर बढ़ गई थी, सर्वोच्च अधिकारी होता था न्याय का वो, और ब्राह्मण को छोड़कर वो मृत्युदंड और लोगों को दे सकता था, ब्राह्मणों को मृत्युदंड नहीं दिया जाता था, यानी कि ब्राह्मण को मृत्युदंड दिया ही नहीं जा सकता था। बलि ऋग्वैदिक काल में राजा को दिया जाने वाला जो स्वेच्छाकारी कर था अब धीरे धीरे क्या हो गया, क्योंकि अब धीरे धीरे चीजें सख्त हो रही हैं और जो शासन है वो राजतंत्रात्मक हो रहा है, तो 1/16 भाग अनिवार्य कर दिया गया कि अब जनता निश्चित तौर पर राजा को देगी। ऐतरेय ब्राह्मण में जो शासन व्यवस्था है उसके बारे में बताया गया है, तो क्षेत्र के हिसाब से किस शासन प्रणाली ने किस नाम से उपाधि धारण की थी उसको हमको देखना है। जो पूर्व क्षेत्र था उसमें शासन जो होता था उसे साम्राज्य कहते थे और उस साम्राज्य में जो राजा होता था उसे सम्राट कहते थे। ऐसे पश्चिम में स्वराज्य कहा जाता था और स्वराट उपाधि धारण करते थे यहाँ के राजा। ऐसे ही उत्तर में वैराज्य और विराट होते थे, दक्षिण में भोज और भोज होते थे। राजा भोज का नाम सुना है ना, तो ये दक्षिण में, ठीक है ना, मैं याद करने के लिए आपको बता रहा हूं।
ऐसे मध्य देश में राज्य हुआ करता था और राजा हुआ करते थे। जैसे हमारे लोगों के यहाँ क्या होते थे, मध्य देश के हम लोग निवासी हैं तो राजा हुआ करते थे। अब देख लेते हैं उत्तर वैदिक काल की आर्थिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति हमने देख ली है। आर्थिक स्थिति देखें तो ऋग वैदिक काल में पशुपालन प्राथमिक पेशा था और कृषि जो है वो लोग करते थे लेकिन गौण पेशा था। अब क्या हुआ था, कृषि प्रथम पेशा बन गया था, मुख्य तौर पर जो पेशा था वो कृषि हो गया। कृषि से संबंधित जुताई बुआई कटाई का वर्णन भी मिलता है, तो जो कृषि होगी तो मिलेगा ही। लोहे के बने उपकरण प्रयोग होने लगे थे कृषि में, तो धीरे धीरे कृषि में क्रांति आई थी और लोहे के लिए श्याम अयस्क शब्द का प्रयोग यजुर्वेद में किया गया है। लोहे से बने जो उपकरण थे उनके प्रयोग से कृषि में क्या हुआ था, विस्तार हो गया, फसलों की संख्या में वृद्धि हुई। लेकिन धान मुख्य रूप से जो फसल थी वो उपजाई जाती थी, धान का उत्पादन किया जाता था। अतरंजी खेड़ा एक स्थान है जो प्रश्न में कई बार पूछा गया है, यहां से पहली बार कृषि के लौह उपकरण, कृषि से संबंधित जो लौह उपकरण है उनका साक्ष्य प्राप्त हुआ है। तो इस तरीके से अब कृषि महत्वपूर्ण हो गई थी, विस्तृत हो गई थी। कृषि में जब विस्तार हुआ तो शिल्पों में कुशलता आई और साथ साथ में वाणिज्य में भी विस्तार होने लगा, क्योंकि लोगों के पास जब आय का मुख्य साधन यही था, जब विस्तार होगा तो लोगों के पास पैसे बढ़ेंगे, तो जब पैसे बढ़ेंगे परचेजिंग पावर बढ़ेगी तो अन्य चीजें भी होंगी और जनसंख्या भी बढ़ने लगी, क्योंकि लोगों के पास सुख सुविधाएं बढ़ने लगी थी। उस समय लाल रंग के मृदभांड, काले रंग के मृदभांड और चित्रित धूसर मृदभांड और लाल मृदभांड केवल अगर हम देखें तो काले व लाल, काले रंग के चित्रित धूसर और लाल, ये हर तरीके के मृदभांड थे जो बर्तन के तौर पर प्रयुक्त होते थे। श्रेष्ठिन एक शब्द आता है, श्रेष्ठिन श्रेणी का प्रधान होता था, ये व्यापारी होता था, श्रेणी का प्रधान व्यापारी जो होता था उसे क्या कहते थे, श्रेष्ठिन, श्रेणी का ये प्रधान व्यापारी हुआ करता था। इसके अलावा कुछ माप की इकाइयां हैं जो पूछी जाती हैं, उनको हम देख लेते हैं। निस्क है, सतमान है, पाद है, कृष्णल है, ऋतिका है और एक है गुंजा। ये माप की विभिन्न इकाइयां हैं। निस्क जो ऋग्वैदिक काल में स्वर्ण आभूषण हमने पढ़ा था हुआ करता था, अब ये मुद्रा के रूप में प्रयुक्त होने लगा था। धीरे धीरे क्या है, चीजें विकसित हो रही है। पहले केवल वस्तु विनिमय हुआ करता था, अब धीरे धीरे मुद्रा का चलन हो गया था और हम चीजों के बदले अन्य चीजों को भी देने लगे थे, खरीदने लगे थे, पैसे के तौर पर धीरे धीरे हम प्रयोग करने लगे थे चीजों को खरीदने और बेचने में। व्यापार पर द्वारा संपन्न होता था और मुद्रा का प्रचलन हो चुका था, मैंने आपको पहले ही बताया। निस्क, सतमान, कृष्णल और पाद ये मुद्रा के प्रकार थे, इनको आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा, भूलिएगा ही नहीं। ऋग्वैदिक काल के बाद में उत्तर वैदिक काल में आप पढ़ रहे हैं और उत्तर वैदिक काल में निस्क, सतमान, कृष्णल और पाद मुद्रा के प्रकार थे। समुद्र का भी इन लोगों को ज्ञान हो गया था, यानी कि धीरे धीरे अब ज्ञान भी बढ़ रहा था, लोग बाहर निकलने लगे थे और वाणिज्य व्यापार का संकेत भी मिलता है कि समुद्र में लोग यात्रा करते थे। तभी से विदेशी व्यापार का हम एक आकलन कर सकते हैं, एक अंदाजा लगा सकते हैं कि विदेशी व्यापार होता रहा होगा। स्वर्ण के अलावा, लोहे के अलावा टिन, तांबा, चांदी और शीशे से भी लोग परिचित हो चुके थे। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि धातु शिल्प बहुत महत्वपूर्ण था उत्तर वैदिक काल में और लोग जो है धातु गलाने का उद्योग बड़े पैमाने पर अपना चुके थे। तांबे को गलाकर विभिन्न प्रकार के उपकरण बनाए जाते थे, वस्तुएं बनाई जाती थी और उत्तर वैदिक काल में वस्त्र निर्माण भी होने लगा था। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है जो मैं आपको बताने वाला हूं कि वस्त्र का तो निर्माण होता था लेकिन कपास का कहीं भी उल्लेख नहीं मिलता है। ऊन, सन इनका उल्लेख मिलता है, सन को सज और ऊन को ऊन कहा जाता था। सिक्के का अभी नियमित प्रचलन तो नहीं प्रारंभ हुआ था लेकिन उपयोग तो होने लगा था, पहले ही हम चर्चा कर चुके हैं। एक तीन ऋण माने जाते थे उत्तर वैदिक काल में, अगर ये तीन ऋण न चुकाया जाए तो व्यक्ति को छुटकारा नहीं मिलता था। माना जाता था कि इन तीन ऋणों से मुक्त होना चाहिए व्यक्ति को, छुटकारा पाने के लिए, जीवन को सफल बनाने के लिए जरूरी था। एक था पितृ ऋण जो संतान उत्पन्न करके पूर्ण होता था, ध्यान रखिएगा। ऋषि ऋण जो अपने पुत्र को शिक्षित करते थे तो हम ऋषि ऋण से मुक्त हो जाते थे। ऐसे देव ऋण था जो धार्मिक अनुष्ठान और यज्ञ आदि करके व्यक्ति इस ऋण से मुक्त हो सकता था। धार्मिक स्थिति की बात अगर हम करें उस समय, तो धार्मिक स्थिति में वही मुख्य उद्देश्य हम पहले भी आपसे बता चुके हैं कि भौतिक सुखों की प्राप्ति हुआ करता था। और उत्तर वैदिक काल में धीरे धीरे आर्य संस्कृति का केंद्र स्थल जो था वो गंगा यमुना द्वाब बना और सारा उत्तर वैदिक कालीन जो साहित्य है वो कुरु पांचालों के दूसरे प्रदेशों में विकसित हुआ
और यज्ञ इस संस्कृति का मूल हो गया। ये मैं बताना आपको चाहता था कि यहाँ पर यज्ञ जो है वो मूल हो गया। यज्ञ के साथ साथ और बहुत सारे अनुष्ठान और मंत्र विधियां प्रचलित थी जिनको किया जाता था, माना जाता था कि इसको करने से हमको अपनी जो अभीष्ट है उसकी प्राप्ति होगी, जो भी हम चाह रहे हैं। अब दो बड़े देवता आते हैं ऋग्वैदिक काल के, इंद्र और अग्नि, जो ऋग्वैदिक काल में बहुत महत्वपूर्ण थे। 250 सूक्त इंद्र के लिए और 200 सूक्त अग्नि के लिए हमने पढ़ा था। इंद्र के स्थान पर अब प्रजापति आ गए। प्रजापति कौन थे? प्रजापति थे सृजन के देवता, और दूसरे जो प्रमुख देवता हो गए वो रुद्र हो गए, पशुओं के देवता। तो प्रजापति यहाँ पे सबसे महत्वपूर्ण, फिर रुद्र पशुओं के देवता, और फिर तीसरे हो गए विष्णु, यानी लोगों के पालक, पालनहार जिनको बोलते हैं, है ना, लोगों के पालक के रूप में विष्णु को जाना जाने लगा। अब यहाँ पर कुछ वर्णों के अलग अलग देवता भी हो जाएंगे, अपने अलग अलग देवता, जैसे पूषण पहले पशुओं के देवता थे, बाद में शूद्रों के देवता हो गए। तो इस तरह से भी कुछ बातें आपको मिलेंगी। सर्वप्रथम सतपथ ब्राह्मण में पुनर्जन्म के सिद्धांत का उल्लेख है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है जो आपको कदापि नहीं भूलना चाहिए, इसको बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए कि सतपथ ब्राह्मण में पुनर्जन्म के सिद्धांत का उल्लेख है। इस काल में दो महाकाव्य भी हमको मिलते हैं, एक है महाभारत जो विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है, और दूसरा है रामायण, रामचरितमानस नहीं, रामायण। रामचरितमानस की रचना तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने की, और जो रामायण है उसकी रचना किसने की थी कमेंट बॉक्स में जरा बताइएगा। आप लोग उत्तर देते रहा करिए जो मैं प्रश्न पूछता हूँ। इससे क्या होता है, लोगों का और लोगों का तो तैयार होता ही है, और मैं जानना चाहता हूँ कि आप लोग कितनी रुचि ले रहे हैं, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। रामायण को जो है वो किसने लिखा था, ये आपको बताना है। जय संहिता किसे कहते हैं, ये प्रश्न एक बार लोअर उसमें आरओ एआरओ में पूछा गया है शायद, मुझे जहां तक याद आ रहा है। तो महाभारत का पुराना नाम जय संहिता था, ठीक है ना। अब हम थोड़ी सी बात और करने के बाद में तुलना करेंगे सिंधु घाटी और वैदिक आर्यों की, लेकिन उसके पहले हम थोड़ी सी बात और कर लेते हैं कि इस काल में, उत्तर वैदिक काल में मूर्ति पूजा प्रारंभ होने का आभास मिलता है। इस काल में प्रत्येक वेद में के अपने पुरोहित हो गए थे, जैसे ऋग्वेद के पुरोहित को होत्री कहा जाता था, ऐसे ही सामवेद के पुरोहित जो थे उन्हें उद्गाता कहा जाता था, और ऐसे यजुर्वेद के अध्वर्य कहा जाता था, और अथर्ववेद के ब्रह्मा कहा जाता था। इस तरीके से अलग अलग वेद के अलग अलग पुरोहित, और इनको हम पढ़ क्यों रहे हैं, क्योंकि ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर ये पूछ लिए जाते हैं। उत्तर वैदिक काल में बहुदेववाद, वासुदेव संप्रदाय एवं खड दर्शन, छह दर्शन जो हमारे हैं, छह दर्शनों में कौन कौन से हैं, सांख्य है, योग है, न्याय है, मीमांसा है, वैशेषिक है और वेदांत है, इनको याद रखिएगा, खड दर्शन आपसे पूछे जाते हैं, इनका बीजारोपण हुआ। मीमांसा को कहीं कहीं पूर्व मीमांसा और वेदांत को उत्तर मीमांसा भी कह देते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा, है ना। अगर आपसे कहा जाए पूर्व मीमांसा, यानी मीमांसा की बात हो रही है, अगर कहा जाए उत्तर मीमांसा तो ये वेदांत की बात हो रही है। यहाँ पे हम कुछ दर्शन और उनके प्रवर्तक देख लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। जैसे चारवाक दर्शन, तो चारवाक दर्शन के प्रवर्तक, चाहे हम चारवाक कह दें, कहीं कहीं चारवाक मिलता है, नहीं तो बृहस्पति, आप ध्यान में रखेंगे कि बृहस्पति को इसका प्रवर्तक माना जाता है, कहीं कहीं ये भी मिलता है कि पता ही नहीं है। योग दर्शन पतंजलि, सांख्य दर्शन कपिल, न्याय दर्शन गौतम, पूर्व मीमांसा जैमिनी और उत्तर मीमांसा वादरायण, और वैशेषिक कड़ाद या उलोक, सारे दर्शन और उनके प्रवर्तक अलग अलग या सुमेलित करने में आपसे पूछे जा चुके हैं। सर्वप्रथम मृत्यु की चर्चा कहाँ मिलती है, अगर ये प्रश्न आपसे पूछा जाए तो सतपथ ब्राह्मण में, और मोक्ष की चर्चा उपनिषद में सबसे पहले मिलती है। अगर मृत्यु की चर्चा आपसे पूछी जाएगी तो सतपथ ब्राह्मण टिक कीजिएगा, और अगर मोक्ष की चर्चा पूछी जाएगी तो आप उपनिषद टिक कीजिएगा। पुनर्जन्म अगर आपसे पूछा जाएगा तो वेदारण्यक उपनिषद में, अगर केवल उपनिषद दिया है तो आप उपनिषद टिक कर देंगे, लेकिन अगर कई अलग अलग दिए हैं तो बृहदारण्यक उपनिषद में इसकी चर्चा मिलती है। स्त्रियों को अर्धांगिनी कहा जाता है, इसकी सबसे पहले चर्चा सतपथ ब्राह्मण में मिलती है, ध्यान रखिएगा। उपनिषदों में अस्पष्टता, यज्ञों तथा कर्मकांडों की निंदा की गई तथा ब्रह्म की एकमात्र सत्ता स्वीकार की गई। छांदोग्य उपनिषद में तीन आश्रम का भी उल्लेख मिलता है, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ। लेकिन बाद में क्या हुआ, जवालो उपनिषद जब आता है, जवालो उपनिषद में जब हम पढ़ते हैं तो इसमें चारों आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास का उल्लेख मिलता है, ठीक है ना।
बस ये चैप्टर समाप्त हो रहा है, इसमें कुछ प्रमुख यज्ञ हमको देखने हैं कि कौन से यज्ञ किस लिए किए जाते थे, फिर हम दो मिनट में देख लेंगे कि वैदिक संस्कृति और सैंधव सभ्यता जो थी, यानी आर्य सभ्यता और सैंधव सभ्यता में क्या अंतर था। बस ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा, दो तीन मिनट और धैर्य के साथ तैयार। प्रमुख यज्ञ जो होते थे, एक अश्वमेध था, इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये यज्ञ हुआ करता था। राजा द्वारा साम्राज्य की सीमा में वृद्धि के लिए घोड़े छोड़े जाते थे, और घोड़ा जहां तक जाता था, जहां तक वो रोका नहीं जाता था, मान लिया जाता था कि राजा का यहां तक साम्राज्य विस्तार हो गया। राष्ट्रीय यज्ञ राजा के अभिषेक से संबंधित था, राज्य अभिषेक जब होता था। राजा द्वारा अपनी शक्ति के प्रदर्शन के लिए एक रथ दौड़ का आयोजन होता था, उसे वाजपेय यज्ञ कहते थे। एक यज्ञ था अग्निष्ठोम यज्ञ। अग्निष्ठोम जो यज्ञ है, ये पापों के क्षय और स्वर्ग को की ओर ले जाने वाली नाव के रूप में इसको माना जाता था, जिनको स्वर्ग जाना हो ये करते थे। और सत्रामर यज्ञ, यज्ञ में पशु और सुरा की आहुति दी जाती थी, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। एक यज्ञ इंपॉर्टेंट है, पुरुष मेध यज्ञ, ये राजनीतिक वर्चस्व के लिए स्वस्थ तथा विद्वान पुरुष की बलि का इसमें प्रावधान किया गया था। ये पुरुष मेध यज्ञ ध्यान में रखिएगा। बस दो मिनट में हम इसको वाइंड अप करते हैं, समाप्त करते हैं। बस क्या क्या हमको देखना है कि सैंधव सभ्यता और इसमें क्या अंतर थे, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक आर्यो की सभ्यता में। ग्रामीण और नगरीय आप जान ही चुके हैं, सैंधव सभ्यता नगरीय थी, वैदिक सभ्यता ग्रामीण थी। वैदिक आर्य स्वर्ण चांदी ताम और लोहे से परिचित थे, सैंधव लोग लोहे लोक पाषाण और कांसे से परिचित थे, लेकिन लोहे से परिचित नहीं थे। और यहां भी आप ध्यान रखिएगा, ऋग्वेद काल में नहीं, उत्तर वैदिक काल में लोहे का प्रचलन हुआ है। वैदिक आर्य बहुदेववाद के समर्थक थे, यज्ञ करते थे, लिंग पूजा और मूर्ति पूजा के विरोधी थे, लेकिन सैंधव सभ्यता में हम देखेंगे तो अलौकिक धर्म का स्वरूप था, है ना। और सैंधव सभ्यता के लोग लिंग पूजा और मूर्ति पूजा के समर्थक थे। ऋग्वेदिक आर्यों का जो पालतू पशु था वो घोड़ा था, हाथी और बाघ से भी परिचित थे, लेकिन सैंधव सभ्यता के लोग घोड़े से परिचित नहीं थे। और यहाँ पे ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, पूछा जाता है कि सैंधव सभ्यता में घोड़ा था तो नहीं था, हाथी और बाघ से ये परिचित थे लेकिन घोड़े से नहीं थे, बिल्कुल भूलिएगा नहीं। वैदिक आर्य लोग युद्ध में अपनी सुरक्षा हेतु हेलमेट वेलमेट लगाते थे, कवच पहनते थे, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में ऐसा कुछ नहीं था, कोई साक्षी नहीं मिला है, शांत प्रकार के लोग थे, लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे। वैदिक आर्यों की शिक्षा प्रणाली मौखिक थी, सैंधव सभ्यता में आप जानते हैं चित्रात्मक लिपि मैंने आपको दिखाई थी, जिन्होंने देखा होगा क्लास देख लीजिएगा, चित्रात्मक लिपि थी, चित्र के तौर पर लिपि पढ़ी जाती थी। वैदिक आर्यों का समाज परिवार आधारित था, पितृसत्तात्मक समाज था, लेकिन सैंधव सभ्यता में देखें तो परिवार आधारित तो समाज था, ये तो चीज सेम है, लेकिन यहाँ पर जो समाज था वो पितृसत्तात्मक न होकर के मातृसत्तात्मक था। इस तरीके से हमारा ये चैप्टर समाप्त होता है, अगले चैप्टर के साथ हम मिलेंगे। आप चाहें तो पहले भी वेबसाइट पे जाके उसको पढ़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन ऐड कर दिए जाएंगे, आप कर लीजिएगा।